आज की वीडियो में हम लास्ट जो नेशनल इनकम की वीडियो थी, हमने नेशनल इनकम जब हम पढ़ा रहे थे उसमें मैंने आपको एग्रीगेट्स निकालने सिखा दिए थे, है ना? आगे थे ना समझ एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट के बाद नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड है आपके, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज व्हाट, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इनकम मेथड की। ठीक है, सेपरेट वीडियो बनेंगी, सेपरेट क्लासेस होंगी तीनों के लिए, तो इनकम मेथड की हम बात करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले एग्रीगेट आपको नहीं आते तो प्लीज एग्रीगेट समझ लेना, क्योंकि बिना एग्रीगेट के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें थ्योरी भी है, वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे, क्योंकि थ्योरी इज डजंट मैटर राइट नाउ, क्योंकि अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसे समझो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना जरूरी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, और बहुत आसान है, वैसे समझते हैं, बहुत मुश्किल चैप्टर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से करेंगे, बस समझने की जरूरत है कुछ चीजों से। सो आप इनकम मेथड जो है, मैंने उसके पूरे फॉर्मूले आपको लिख दिए, मतलब कैसे आप इनकम मेथड कैलकुलेट करोगे, इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे। इसके फॉर्मूले को समझते हैं पहले। देखो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कोई और तरीका है ही नहीं, कि अगर मैं, हम होता है ना जनरली टीचर्स करते हैं ये, नहीं तो ये तरीका बता दूं, बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉर्मूलास हियर, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आपको ये तो करने ही पड़ेंगे सभी के। इनकम मेथड, इनकम जो है, इनकम मेथड जो है उसके कंपोनेंट समझने होंगे, एक्सपेंडिचर मेथड है उसके कंपोनेंट्स भी याद रखने होंगे, वैल्यू एडेड मेथड है उसके भी कंपोनेंट्स याद रखने होंगे। तरीका क्या है याद करने का, बार बार लिख लिख के देखो, सेपरेटली चेक करो, लिख लिख के देखो, चेक करो, दिस इज द ओनली तरीका। चलो अब बात करते हैं इसकी हम। देखो जब इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड के थ्रू हम एनडीपीएफसी कैलकुलेट होता है हमारा। जब इनकम मेथड के थ्रू हमने नेशनल इनकम निकाल लिया, इन शॉर्ट हमें, पहले तो समझो, किसी भी मेथड के थ्रू हमें ये निकालना है, यानी कि एनएनपीएफसी निकालना होता है, इसे नेशनल इनकम बोलते हैं। समझ गए, हर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम आपको निकालना होता है, यानी कि एनएनपीएफसी निकालना होता है आपको। समझो ये बात, आपको ये तो निकालना होता है, इसे ही बोलते हैं नेशनल इनकम। और हर एक तरीके में, चाहे वो इनकम मेथड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, तीनों ही मेथड के अंदर आपको डायरेक्टली एनएनपी नहीं मिलेगा। किसी से एनडीपीएफसी मिलेगा, किसी से जीडीपी मिलेगा, किसी से जीवीए मिलेगा, वो बाद में बात करेंगे दोनों मेथड की। तो डायरेक्टली आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन तभी मैंने आपको एग्रीगेट्स कराए थे, ना, अगर आपने ये भी निकाल लिया तो इससे आप एनएनपी आराम से निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्रीगेट्स कराए थे। अब समझ गए, अब इनकम मेथड में इतने सारे कंपोनेंट हैं, तो इसको समझ गए। इनकम मेथड कैलकुलेट यानी कि एनडीपीएफसी मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए आपको प्रॉफिट सबको प्लस करना होता है, प्लस रेंट, प्लस प्रॉफिट, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस इंटरेस्ट, प्लस मिक्स्ड इनकम, प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। समझिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये सब चीज डायरेक्टली दे रखी है, मतलब प्रॉफिट भी दे रखा है, रेंट एंड रॉयल्टी भी दे रखी है, इंटरेस्ट भी दे रखा है, मिक्स इनकम भी दे रखी है, और ये भी देते, सबको प्लस कर दो, निकल गया। अगर सीधा है, ये 5-6 कंपोनेंट दे रखे हैं। अब अगर प्रॉब्लम कहां पर होती है, प्रॉब्लम वहां पर होती है कि हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा होता क्वेश्चन, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा होता, हमें ये चीजें नहीं दे रखी होती, तो इन्हें कैसे निकालते। अब अगर मान लो कि हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो आप कैसे निकाल, प्रॉफिट निकालने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों चीजों को प्लस करोगे तो निकलेगा प्रॉफिट। समझ गए, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो ये तीन चीजें दे रखी होंगी, तीन नहीं दे रखी तो दो दे रखी होंगी, दो दे रखी है तो तीसरे को जीरो मान लेते हैं, बताया ना आपको, तो ये सोच के चलना है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में कहेंगे ये भी दे दिया और ये तीनों भी दे दी, तो आपको इसे देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको ये दे दिया। समझ के, सारी सिचुएशन क्वेश्चन में आने वाली सिचुएशंस भी बता रही हूँ मैं आपको, मतलब क्या, प्रॉफिट नहीं दे रखा तो इन तीनों को जोड़ दो, तीन में से दो दे रखे हैं तो दूसरे तीसरे को जीरो मान लो, तीन में से एक भी दे रखा है तो बाकी दोनों को जीरो मान लो। ठीक है, और अगर ये भी दे दिया और ये भी, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सिर्फ प्रॉफिट को देखोगे, इनको भूल जाओ। समझ गए, अब ऐसे ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा तो आप वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, इसका मतलब है किसी भी फॉर्म में सैलरी आई हो, चाहे वो कैश में आई हो, चाहे किसी और फॉर्म में आई हो, वो किसी भी काइंड से दी गई सैलरी, वो प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब एम्प्लॉय को कोई और पैसा किसी भी तरीके से दिया गया हो किसी स्कीम के तहत, वो सब प्लस
प्लस कर दो आप तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल जाएगा। अब फिर से वही बात, अगर मान लो कि एक चीज दे रखी हो बाकी चीजों सब दे रखा हो, ये भी और सीओई मतलब सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दे रखा हो, तो इसको देखना ही नहीं है, सिर्फ उसे ही देखना है, आपके कंफ्यूजन दे दिया होगा। क्लियर? आप बात करते हैं, अब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा हो तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल होता है आपका रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, मतलब अगर इन तीनों चीजों को जोड़ दोगे आप तो बनेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। समझ गए? मतलब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आप इन तीनों को ढूंढोगे ही नहीं, देखोगे नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस जितना भी दोगे वो ऐड कर दोगे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ ये भी दे रखे हो तो फिर वही बात, उन्हें देखो ही मत, ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता ही इसके कोले वो आपको क्वेश्चन में देंगे कई बार लेकिन कंफ्यूज करने के लिए। समझ गए? अब ऑपरेटिंग सरप्लस में एक दे रखा है, दो नहीं दे रखे तो एक ही वो सब कुछ हो जाएगा। हम क्या मानेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस 500, लेकिन इसे नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इसी में इंक्लूड होता है ना वो, तो समझ। अब भाई ये समझ के कैसे कैलकुलेट होंगी सारी चीजें। अब बात करते हैं कि जब हमें मिल जाएगा ये मिल जाएगा, और निकालना क्या है ये एनएनपी है ना, ये मिल गया एनडीपीएफसी, ये निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एग्रीगेट पे पहुंच जाओ। मैंने बताया था जब कोई चीज आपको निकालना ये है तो सबसे पहले हम जो हमें दे रखा हो वो लिखते हैं। हमें दे रखा है मतलब हमने निकाल लिया, ये लिख दिया। अब हमें एन से एम तो सेम है तो कुछ नहीं करना। अब ये नेशनल से डोमेस्टिक तो क्या कर देंगे, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए कौन सी इनकम फ्रॉम एब्रोड जो होती है वो प्लस करते हैं, ठीक है? तो नेट इनकम प्लस एब्रोड प्लस कर दिया, ठीक है? पी फॉर पी, फैक्टर कॉस फैक्टर क्रॉस, कुछ और प्लस नहीं होगा तो फॉर्मूला विल बी देयर आंसर। मतलब ये जब ये सारी कैलकुलेशंस निकालेंगे तो उसके बाद हमारा ये निकल के आएगा एनडीपीएफसी, ये सब यहाँ तक ना, यहाँ तक एनडीपीएफसी निकल आ जाएगा। एनडीपीएफसी से एनएनपी निकालना तो आसान है, एग्रीगेट में बताई चुकी हूँ आपको। क्लियर? मतलब वैसे उस पे हमें लेकर आना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, मैंने बहुत छोटे में लिखा है क्योंकि मुझे फॉर्मुला की भी नीड रहेगी इसीलिए, क्योंकि बार बार आपको फॉर्मुला मुझे रिवाइज कराने पड़ेंगे। तो इसमें इन्होंने पूछा है, पूछा क्या क्या है इन्होंने, सबसे पहले बोला है कि भाई एनडीपी निकालनी है, ठीक है? एनडीपीएफसी निकालना है सबसे पहले। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हमने क्या करा था, मैं तुमसे क्या बता रही थी कि क्या क्या प्लस करते हैं हम, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना है? नहीं। सब्सिडीज? नहीं। डेप्रिसिएशन? नहीं। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम किससे? तो मतलब हमें ये नहीं दे रखे लेकिन हमें सब मिल गया, तो यानी कि हमें ये भी चीजें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए लेकिन दे रखी है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो सब मिल गया। अब हम बात करते हैं ये क्या है, ओएस फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दे रखा था, चलो ठीक है, हमें इन तीनों की तो जरूरत ही नहीं थी ऊपर, अभी हमें इसे निकालने के लिए इन तीनों की जरूरत थी, चलो ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, आप बात है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अभी हमारा इससे लेना देना है, कहीं हमें लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कुछ इनकम फॉर्मूले में नहीं है, चलो ठीक है। अब बात है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, बस प्लस करो जल्दी, कम ऑन फास्ट फास्ट। तो नेट नेट डोमेस्टिक इनकम तो हमारी कितनी हो गई आपकी, क्या क्या प्लस करेंगे आप इसमें, सरप्लस प्लस करो सबसे पहले ऑपरेटिंग यानी कि 10,000 प्लस हमारा क्या दे रखा है मिक्स्ड इनकम 28,000, ये करोड़ में है सारे, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज सीओई, सीओई भी मिल गया हमें 24,000, ठीक है? तीनों का प्लस करोगे 62,000 करोड़, हाँ 62,000। अगला बोला है कि आप निकालो नेट डोमेस्टिक इनकम,
भाई नेट डोमेस्टिक इनकम तो आ गई, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालो। अब हमें ये मिल गई तो इसे ग्रॉस निकाल सकते हैं, एग्रीगेट पढ़ रखे हैं। मैंने क्या कहा था कि हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, ठीक है। तो जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दे रखा है, जो दे रखा है, जो निकल के आया है, सबसे पहले वो लिखते हैं एन डी टी एफ सी, ठीक है। अब देखो जी से एन में बदलना है, ग्रॉस से नेट में क्या प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट में प्लस करेंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यस। तो माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की नीड क्यों पड़ी थी इस फॉर्मूले के लिए, डेप्रिसिएशन। अब हमारा डी से डी कुछ नहीं, पी से पी कुछ नहीं, फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला निकालो और बन गया, आसान है, आ रहे हैं समझ। क्लियर, अब 700 है ना, यस मैम। चलो अब हमारा चला दी, अब हम बताते हैं हमें निकालना है नेट नेशनल इनकम। अब हमें क्या निकालना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब हमें जब एनएनपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीडीपी, हमने बताया था ना कि जीडीपी। आप समझो कि हमें क्या करना है, जी से नेट में बदलना है, फिर से क्या करेंगे हम, क्या प्लस, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, ठीक है, ग्रॉस से, मतलब जीडीपी दे रखी है हमें, नेशनल नेट नेशनल इनकम निकालनी है तो ग्रॉस से नेट पे जाना, माइनस करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं, माइनस सब कुछ इन्वॉल्व होता है नेट में, सिर्फ माइनस ही तो करेंगे, पिछली बार उधर था क्या, माइनस डेप्रिसिएशन, हाँ। अब डोमेस्टिक से नेट पे जाना है, प्लस डोमेस्टिक इनकम नेट पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है, सॉरी, तो एनएफआई प्लस अब्रॉड, प्लस होता है प्लस फ्रॉम अब्रॉड वाले, को बार बार कर रहे हैं, समझ गए। चलो भाई निकाल, और प्रश्न तक आया हमारा कितना, 61,700 क्लियर। अब हमें ये कह रहे हैं एक चीज और निकालनी है, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट पे थी, ये हमें फैक्टर कॉस्ट पे इससे मार्केट प्राइस निकालना है, एनएनपी ऐड कर दो, ऐड कर दो एनएनपी, ठीक है, हमारा फैक्टर कॉस्ट पे दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन ये सेम नहीं है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या करते हैं, टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में हमें सब्सिडीज तो माइनस करेंगे, सब्सिडीज माइनस कर देंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे तो नेट टैक्सेस हमारे निकल क्या कर देंगे हम यहाँ पर, माइनस इसको माइनस 700 तो इसीलिए इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों दे रखी हो, अगर सीधा सीधा दे रखा होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब ये दे रखे हो दोनों तो आपको क्या करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए, यानी कि एनआईटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज निकालना है, बस इसमें आपको क्या करना है, बस वही आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, क्लियर, कोई डाउट ना समझ। तो एज यू कैन सी दैट हाउ मच इजी इट इज, बस इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, द कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम मेथड, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ द इनकम, नेशनल इनकम, क्यों, क्योंकि कॉम्पोनेंट सब में बहुत ज्यादा है, तो आपको सब में ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से मेथड से पूछ रहे हैं, लेकिन आंसर विल बी द सेम इन एवरी मेथड, ये ध्यान रखना, चाहे आप इनकम मेथड से निकाल रहे हो, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे हो, चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड से निकाल रहे हो, आंसर विल बी द सेम, ठीक है, आंसर हमेशा सेम ही होगा, तो ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है, बस कॉम्पोनेंट, यार ये कॉम्पोनेंट याद रखने हैं, और मेरे ख्याल से इतना इजी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो समझ गए, जितना भी एम्प्लॉय को मिल देने जाने वाले वेजेस और सैलरी है सबको ऐड कर दो तो वो कंपनसेशन हो जाता है, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होगा, टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स,
वो प्रॉफिट तो है जो हम जोड़ते हैं टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, मतलब किसी और तरीके से हमें रिटेन्ड अर्निंग हुई होगी तो वो भी हमारा प्रॉफिट होता है, और डिविडेंड मतलब जो हमने लोगों को हिस्सा दिया होगा वो भी प्रॉफिट ही है। हम जैसे एक बंदे से दूसरे को सामान बिछाते हैं, दूसरे से तीसरे को बिछाते हैं, तो सब अपना अपना प्रॉफिट ही लेते हैं, तो डिविडेंड होता है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। इन तीनों को प्लस कर दो तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा, और अगर सब दे ही रखा है मतलब इनमें से एक ही दे रखा है तो भी टेंशन नहीं, प्लस करते जाओ, जीरो मान लो दूसरे के। हाँ, और अगर ये दे रखे हैं आपको ऑपरेटिंग सरप्लस तो भूल ही जाओ इन सब चीजों को, तो सीधा सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ही ऐड करना है। देखा जाए तो मुश्किल कुछ नहीं है, नेशनल इनकम पूरा चैप्टर ऐसे ही है, बस और कुछ कॉम्पोनेंट्स याद करने की जरूरत है।